সোমবার আগরতলায় টিএসআর সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সেখানে ড্রাগ বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে একটি নাটক প্রদর্শনী করা হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আইপিএস জেনারেল ডিরেক্টর অমিতাভ রঞ্জন সহ অন্যান্যরা। राज्य पुलिस है, उन सबों में हमारा बहुत ही ऊपर लेवल का दर्जा है। नॉर्थ ईस्ट में तो हम 2 नंबर पे पक्का हैं, और डिस्ट्रक्शन में जो हम पकड़ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। डिस्ट्रक्शन में भी हम करीब करीब, इस बार के जो हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग थी उसमें तो एनसीबी ने कहा है कि हम 1 थे। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइज ढंग से डिस्ट्रक्शन शायद और किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। तो हम डिटर्मिंड हैं सारे लोग, और आपने देखा हमारे जवान से लेके ऊपर तक सब लोग डिटर्मिंड हैं कि इस सामाजिक समस्या को किसी भी तरह रोकना है, फैलने से, कानूनन ढंग से, सौहार्द से, कम्युनिटी आउटरीच से, नाटक के माध्यम से, सब तरफ से कोशिश करना है कि हम त्रिपुरा को ड्रग्स फ्री बना सकें। और इसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने सीनियर अफसर्स की तरफ से, केएसआर के जवानों को, उनके कमांडेंट को, उनके और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये आश्वासन देता हूं कि हम सबों की तरफ से ये सपोर्ट और ये प्रयत्न हमेशा चलता रहेगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस 18।